जी हाँ, 5 साल की ओसीडी भगाने की दास्तान पार्ट टू में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में जाना कि किस प्रकार इन जिन सज्जन को ओसीडी लगी थी उनके क्या क्या सिम्टम थे और वो इलाज तक कैसे पहुंचे, आज इस पार्ट टू में जानते हैं। जी जी संजय जी की बात हो रही थी। हाँ जी, जी ये राजस्थान के रहने वाले संजय जी हैं। जी तो उन लोगों का ज्योतिप्रिया सर ने इंटरव्यू लिया, जी तो उसमें उनका इंटरव्यू लिया, संजय जी का लिया, फिर जी कई और लोग थे, उन लोगों का भी उन्होंने इंटरव्यू लिया। जी तो के भाई, और एक और था जो थोड़ा बिहार के रहने वाले थे, जी उनको हुई करीब 40 साल से पुरानी ओसीडी थी। तो जी 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 हाँ, उसको भी बीट कर दिया ज्योतिप्रिया सर ने। जी तो सर, मुझे जी हाँ ज्योतिप्रिया सर की मैंने क्लास नहीं ली जी पहले। मुझे लगा कि ये जी जितने भी लोग हैं, जी ये हो सकता है ये ज्योतिप्रिया सर के अपने आदमी हो। जी फिर मैंने उन लोगों को कॉल किया, जितने लोगों से इंटरव्यू हुआ था, मैंने उनको कॉल किया, जी फिर मैंने उनसे बात करी, फिर मुझे तसल्ली हुई कि जी वाकई में ये ओसीडी के पेशेंट ही हैं, जी जी ये ज्योतिप्रिया सर के अपने आदमी नहीं है। जी क्योंकि देखो, मुझे वहम रहता था, ओसीडी थी, जी और जो वहम में तो बंदा किसी पे भी शक करेगा। जैसे मैंने, जो इतने बड़े ये हमारे गुरु हैं, जी डॉक्टर साहब हैं, तो ये मेरी गलती थी कि मैंने इन पे शक किया, ये मेरी ओसीडी में। जी जी वो आपकी गलती नहीं, वो आपकी अवेयरनेस थी कि हम बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि चलो एक ओरिजिनल बंदा था लेकिन सारे ओरिजिनल नहीं हो सकते, बहुत सारे फ्रॉड भी हैं। तो आंखें हाँ जी, बंद हाँ जी, हाँ कर जी, किसी पर विश्वास नहीं करें, आपकी तरह पहले पूरी तहकीकात करें, उसके हाँ जी, हाँ बाद जी, अपना जो संपर्क है उसे साधें। हाँ जी। तो जी, ऐसा है कि अब मैं तो एक जो जो भी इनकी क्लास जो होती है, वैसे जो भी है इनकी, एक शायद इनका क्लास 5 होती है, 3,000 रुपये इनकी फीस है यहाँ तक की। तो मैंने किसी तरह से, मेरे जैसा गरीब आदमी ने कहीं यहाँ से वहां से जोड़ जाड़ के, कैसे भी करके, भाई मैंने मतलब पूरी तसल्ली करके, जगह जगह से तसल्ली करके, और इनकी मैंने सारी वीडियो पहले देखी, सारी वीडियो देखी। उसके बाद जाकर मैंने इनके पास इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद, उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और जब मैंने इनकी जो पहली क्लास ली, और पहली क्लास लेने के बाद तो मेरी दुनिया ही पलट गई, दुनिया पलट गई, ये आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। पहली क्लास लेने के बाद ही मेरे अंदर पॉजिटिव विचार पैदा, जैसे कहते हैं ना, बीज डाल देना, मेरे अंदर पॉजिटिव का बीज जो डाला, वो हमारे जो राजेंद्र जोधपुरिया सर हैं, इन्होंने डाला। और जो आज मैं इस धर्म में खड़ा हूँ, वो इनकी वजह से खड़ा हूँ। एक जन्म दिया था मेरे मम्मी पापा ने, मुझे जन्म दिया था, और जो मुझे जो दूसरा जन्म दिया है, वो है, पूरा श्रेय जाता है ये राजेंद्र जोधपुरिया सर को। ये वास्तव में आपने अपना जन्म खुद ही किया है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो शक्ति तो मौजूद थी, बस उसे एक चिंगारी की जरूरत थी। सर, वो जो बीज तो सर पॉजिटिव वाला बीज तो सर आपने डाला ना सर, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मेरे सेशन चलते गए, मैं टाइम टू टाइम इनसे सेशन लेता गया, और जितनी बार मैं सेशन लेता गया, मेरा परसेंटेज में मैं ठीक होता गया। पहली बार 25%, फिर 50%, फिर 60%, फिर ऐसे करते करते आज की मेरी सर से लास्ट क्लास थी आज मेरी। वो मैंने दिन में ही सर से, मैंने क्लास 1 बजे की मैंने क्लास ली थी सर से, आज मेरा लास्ट सेशन था। आज मैं 100%, जो कोई कहता है ना ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकती, 70% 80% ठीक हो जाएगी, 20, मतलब वो जिंदगी भर रहेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। ये आपको दावे से कह रहा हूँ कि मैंने जो अपनी ओसीडी है, वो मैंने 100%, मतलब हंड्रेड परसेंट मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहता, कि लोग कहते हैं ना कि 101%, 110%, नहीं, जो सत्य है वो सत्य है, 100%, जिसे कहते हैं ना, 100% मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और किसी को कोई बात में कोई वहम हो रहा हो, ओसीडी वाला जो पेशेंट होता है वो वहम बहुत करता है, और किसी को वहम हो, कोई प्रॉब्लम हो, या आपको ऐसा लगे कि मैं ज्योतपुरिया सर का
इनका मैं अपना आदमी हूँ या इनका मैं कोई इनका ही कोई इम्प्लॉय हूँ, जी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी और ये जो हमारे ये जो जोधपुरिया सर हैं, राजेंद्र जी, जो हमारे साइको गुरु हैं, जी आप इनसे मेरा नंबर ले सकते हैं और आप मुझे 7 डेज कभी भी फोन कर सकते हैं। जी ठीक है जी, इससे बड़ी बात नहीं करूंगा। आप चाहो तो आप मुझे फोन पे, जी अगर आप मुझसे मिलना भी चाहोगे ना, तो मैं अपने अपने घर का एड्रेस दूंगा मैं आपको। मैं अपने घर बुलाऊंगा आपको, मैं आपको पूरी तसल्ली करा दूंगा। जी ये मैं सारे ओसीडी पेशेंट जो मानसिक जी मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है, जी वो मुझसे फोन करके पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं, मेरे घर पे आ सकते हैं। जी उनका मैं पूरी तरह से डाउट दूर करूंगा। जी जी बहुत बड़ी बात है ये इसमें क्या है जी, ये बिल्कुल ही तसल्ली से मैंने इनका जो काउंसलिंग ली और काउंसलिंग से मुझे फायदा हुआ। जी और जी, मैं ओसीडी पेशेंट वालों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी जो भी कहीं से भी इलाज करा रहा है, जी करवाता रहे, जी जिससे भी मिलना है मिले, खूब करवाए। जी अगर फायदा मिल रहा है तो ठीक है, वहीं से कराए। अगर जी फायदा नहीं मिल रहा है दवाई खाने के बाद भी या जी किसी की काउंसलिंग के बाद भी, जी तो मैं यही कहना चाहूंगा, किसी पे दबाव या जबरदस्ती नहीं है, कि जी एक बार इनसे मिलें या मिलें, ऑनलाइन काउंसलिंग है इनकी, जी तो इनसे एक बार जरूर काउंसलिंग लें। जी और काउंसलिंग लेने के बाद फायदा होगा और 100% फायदा होगा, जी इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जी जी 100% फायदा होगा, 100%। जी और जैसे फायदा ना हो ना, देखो मुझसे बात कर ले कि फायदा क्यों नहीं हुआ, जी जी और फायदा होना ही होना है। और जी ये जो ओसीडी है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, हमने एक राई का पहाड़ बना लिया है, जी 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 और ये सिर्फ एक भ्रम मात्र है जो कि सर ने मेरे दिमाग से निकाला। जी 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 सर इन्होंने मुझे बिल्कुल, आज मैं, मेरा लास्ट सेशन था, जी आज की डेट में मैं जो चीज नहीं कर पाता था, मैं बिल्कुल नॉर्मल, जैसे लोग नॉर्मल जीते हैं, जी मैं वैसे जी रहा हूँ जी अपना आराम से। नॉर्मल में 10 से 10 मिनट में मैं आराम से नहा लेता हूँ, जी हाथ एक ही बार धोता हूँ, खाली हाथ धुल गया, हाँ भाई धुल गया। जी कोई भी बाहर का जो जो पब्लिक टॉयलेट है, जी चाहे गंदा है चाहे साफ है, अंदर जी अपना जाना, जी वापस आना, नॉर्मल हाथ धोना अपना, वही अपना खाना पीना, जी जी चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, हॉस्पिटल हो, जी चाहे वो ट्रेन के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, मैं बिल्कुल फ्री, जी हर जगह बिल्कुल नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं, मैं वैसे रहता हूँ, जी बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल शांत हूँ मैं, बिल्कुल जी कोई दिक्कत परेशानी मुझे आज बिल्कुल मेरी खत्म हो चुकी है। जी 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 वास्तव में आपने ओसीडी को हरा दिया, आपने ओसीडी जी सर, ये सारा श्रेय सर आपको जाता है, मैंने नहीं हराया। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कहीं और होता, समझ रहे हो ना, मैं और का मतलब ऊपर जी होता जी 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 भगवान के पास। जी जी लेकिन आपने अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने का एक मौका मिला है, खास करके ओसीडी के बाद एक नया जन्म मिलता है इंसान को। आपको अपना नया जन्म मुबारक हो। इसी के साथ हम YouTube के दर्शकों को यही कहना चाहते हैं कि वो अपनी परेशानी का निदान करा सकते हैं, कहीं से करवाएं। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी जरूरी नहीं है कि हमसे ही संपर्क करें, आज हमसे भी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उनसे अपनी साइकोथेरेपी काउंसलिंग करवा सकते हैं। जरूरी यही है कि अपना इलाज करवा लें। ओसीडी के अंदर जीना कोई अच्छी बात है नहीं, कैद के अंदर जीना कोई अच्छी बात है नहीं। जी जी आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये ओसीडी पेशेंटों के लिए। हाँ कुछ भी दो शब्द आप कहना चाहें। हाँ जी, मैं जितने भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जरा जी ध्यान से सुने, जी ये जो भी मानसिक तनाव से ग्रस्त हो रहे हैं, जो ओसीडी के पेशेंट हैं, जी ओसीडी ना समझ में आ रही हो तो, जिसको गंदगी से परेशानी है जी या धार्मिक विचारों से परेशानी है, जो सर ने आप लोगों को जो यूट्यूब में बार बार बताते रहते हैं, 5 तरह की ओसीडी होती है ना, जी और जो 5 तरह की ओसीडी से कोई भी किसी से ग्रस्त है, जी तो उनको मैं यही राय देना चाहूंगा कि जी एक बार अपना राजेंद्र जोधपुरिया जी से जी अपना संपर्क करें, इनसे ऑनलाइन काउंसलिंग लें और अपनी जिंदगी को संवारें। जी पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, जी इनसे काउंसलिंग लेने के बाद वो मैं आपको बार बार नहीं बताना चाहूंगा कि 100% ठीक हूं, मैं इस पृथ्वी पे जिंदा खड़ा हूँ। जी मैंने फिर से मैं कहना चाहूंगा, किसी को मेरे से बात करनी हो तो जोधपुरिया सर मेरा नंबर दे देंगे, जी नंबर से मेरे से बात कर सकते हैं। और किसी को
इनसे काउंसलिंग लेने से पहले कोई डाउट हो तो आप मेरे से एक बार काउंसलिंग ले लेना, फिर जी जी मैं खुद ही थोड़े डाउट क्लियर कर दूंगा। जी बाकी जो ठीक करने वाला तो डॉक्टर ही ठीक करेगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। जी जो जिसने जिस चीज का ज्ञान लिया है, जी डॉक्टरी करी है, इतनी पढ़ाई करी है, तो वो आपको वही डॉक्टर ही ठीक करेगा। जैसे कि मेरे लिए जी ये राजेंद्र जोशप्रिया सर हैं, जी मेरे लिए यही भगवान है, यही सब कुछ है आज की जी डेट में। जी 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 आपके हाँ जी इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विदा लेते हैं YouTube के दर्शकों से। आपने अपनी जिंदगी के अंदर नई एक राह पाली है। आप हमेशा जिंदगी में हंसी खुशी जीते रहें, यही हम सबकी आपके साथ दुआ आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ थैंक यू सर, धन्यवाद।